देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 2018 दिल्ली ऑटो एक्सपो में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार की कॉन्सेप्ट मॉडल ई सर्वाइवर को आज शोकेस किया। मारुति सुजुकी ई सर्वाइवर एक ओपन टॉप टू सीटर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है। इसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है, साथ ही इसमें नई तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल किया गया है। ऑटो एक्सपो में होंडा कार्स इंडिया ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन अमेज शोकेस की। नेक्स्ट जनरेशन अमेज के वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान होंडा ने बताया कि यह कार इसी साल लॉन्च होगी। होंडा के मुताबिक सेकंड जनरेशन अमेज में बोल्ड एक्सटीरियर स्टाइल, प्रीमियम इंटीरियर और ड्राइविंग परफॉर्मेंस पर काम किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने फिफ्थ जनरेशन सीआरवी और टेंथ जनरेशन सिविक का भी अनावरण किया। सीआरवी का होंडा ने इस साल डीजल मॉडल लॉन्च किया है। भारत में ये दोनों गाड़ियां भी कंपनी इसी साल लॉन्च करेगी। किया मोटर्स ने भारत में पहली बार मेड फॉर इंडिया एसयूवी एसपी कॉन्सेप्ट एसयूवी को शोकेस किया। कंपनी का कहना है कि इस एसयूवी को खास तौर से भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। किया एसपी कॉन्सेप्ट में एलईडी फ्रंट और टेल लैंप, स्लोपिंग रूफ लाइन, कॉन्ट्रास्ट रूफ लगाया गया है। किया मोटर्स ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 536 एकड़ का प्लांट तैयार किया है। इस प्लांट में 2019 के अंत तक प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। 2018 ऑटो एक्सपो में किया 16 नए मॉडल्स शोकेस करेगी, जिसमें रियो, केराटो, स्टोनिक और स्ट्रिंगर स्पोर्ट्स सेडान के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड कारें भी शामिल हैं। ऑटो एक्सपो 2018 में सुजुकी नए स्कूटर्स भी लेकर आई है। कंपनी ने 2018 में इस श्रेणी में एडवांस लग्जरी स्कूटर बर्गमैन स्ट्रीट को शामिल किया है। बर्गमैन स्ट्रीट में सुजुकी ने यूरोपियन स्टाइल डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। यह प्रीमियम स्कूटर सुजुकी के वैश्विक ब्रांड ब्रैडमैन का हिस्सा है। दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने ऑटो एक्सपो 2018 में अपने डुएट और माइस्ट्रो एज स्कूटर के 125 सीसी वर्जन पेश किए। इन नए मॉडल के साथ कंपनी भारत में 125 सीसी वाले प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में एंट्री करेगी। ऑटो एक्सपो 2018 में यामा ने बहुप्रतीक्षित R15 V3.0 भारत में पेश की। यामा के इस बाइक का भारत में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इसकी कीमत शोरूम में 1,25,000 रुपए है। कंपनी ने यामा YZF R15 V3.0 की बुकिंग पहले से ही शुरू कर दी थी। इस बाइक को 5,000 रुपए में बुक किया जा रहा था। हालांकि कंपनी ने बुकिंग को लेकर अभी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है कि अब तक इसकी कितनी बुकिंग हो गई है। कावासाकी ने अपनी नई सुपरचार्ज बाइक निंजा H2SX और निंजा H2SX SE को दो अलग अलग वेरिएशन में ऑटो एक्सपो 2018 में पेश किया। कंपनी ने निंजा H2SX की कीमत 21,80,000 रुपए तय की है। हाई स्पीड H2SX SE के लिए 26,80,000 रुपए कीमत तय की गई है। दो अलग अलग वेरिएशन में इस दमदार सुपर स्पोर्ट बाइक को खास तौर पर लंबे सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। टाटा मोटर्स ने एसयूवी कार की रेंज में अपना नया मॉडल पेश किया है। इस नई नवेली एसयूवी का नाम टाटा H5X एसयूवी है। टाटा ने इस कार को एसयूवी लैंड रोवर के डिस्कवरी स्पोर्ट मॉडल की तर्ज पर डिजाइन किया है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके 5 सीटर और 7 सीटर के दो अलग अलग मॉडल होंगे। अगर देखा जाए तो एसयूवी कार की रेंज में ये कार लैंड रोवर को टक्कर देते नजर आ रही है। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत नहीं बताई है। ऑटो एक्सपो में मर्सिडीज ने अपनी मेबैक S650 पेश कर दी है। इस लग्जरी कार की कीमत 1,94,00,000 से लेकर 2,73,00,000 रुपए तक है। इस लग्जरी सलून के दो वेरिएंट हैं, शुरुआती S560 और टॉप मॉडल S650। इसकी डिजाइन मर्सिडीज की नई एस क्लास से काफी मिलती जुलती है, जैसे कि इसकी हेडलैम्प की डिजाइन। इसके साथ ही मेबैक S650 भारतीय सड़क पर फर्राटे भरने वाली मर्सिडीज की सबसे तेज रफ्तार कार होगी।